UCC. We support 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 UCC. Jai Hind. Jai Hind. Bharat Mata Ki Jai. राष्ट्रीय मुद्दा है ये, ये कोई प्रेस का नहीं, कोई धार्मिक नहीं, सब का अपना अपना फर्ज है कि मैं जिमें काम करना, कोई कमाई करना, कोई नौकरी करना ज व्यापार करना, तो मैं पहला अपना भविष्य अपने पीढ़ियां बारे सोचता, बच्चों बारे सोचता कि मेरे बच्चे, चलो मैं तो औखा होया, मेरे बच्चे औखे ना हो। अपना देश समय समय सिर धार्मिक उमाद दे विच वंडिया गया। अज जो पुराना भारत का नक्शा वेहने तो आप ईरान तो लैके पर्शियन तो लैके और ये जरा बर्मा मलेशिया और सारा किसी समय अपना हिस्सा सीगा। और जिमें जिमें धार्मिक उमाद बढ़ता गया उस तरह वो देश का हिस्सा कटता गया। और इसकी उदाहरण 1947 सब तो वड्डी है कि किवें पाकिस्तान वंडिया गया, वह भी धर्म के आधार पर वंडिया गया, बंगलादेश वंडिया गया, अफगानिस्तान वंडिया गया और कश्मीर बड़ी मुश्किल ना बचे। तो इत्थे असीं यही बेनती करांगे कि एक प्रेस के नाते जो तुसीं जागरूक समाज नूं कर सकते हो, आने वाली पीढ़ियां नूं कर सकते हो, वो शायद असीं ना कर पाइए, क्योंकि तुहाडे तो हरेक कोई सिक्ख्या लैंदा, बच्चा भी तुहानूं देखदा है, बुढ़ा भी देखदा है कि समाज के विच कौन की कर रहा है, तो उसका तुसीं इक चित्रण पेश करदे हो। तो यही असीं साडी बेनती है कि आने वाले समय के जिहड़ा UCCC है, यूनिफॉर्म कॉमन कोड जिहड़ा बिल हैगा, सरकार ते आपां दरबार बनाईए कि जदों देश आजाद होया सी उदों संविधान दे विच लिखिया गया सीगा कि एक देश एक कानून होवेगा, यह UCC लागू होवेगा, कोई एक समान होणगे, कोई औरत है उन्हां नूं अधिकार मिलणगे, कोई बच्चा उहदे समान अधिकार होणगे, कोई बजुर्ग है उहदे समान अधिकार होणगे। लेकिन कुछ सरकारां ऐसियां बणियां, उन्होंने अपनी राजनीति की खेड के तहत वोट राजनीति की, जिदे करके अज देश के जोड़े नैचुरल सोर्स है वो सीमित हो गए, पानी की समस्या आ रही है, अनाज की समस्या आ रही है, हर चीज़ की समस्या आ रही है। लेकिन लोग इंटरनेशनल देखते दे हुए, अंतरराष्ट्रीय देखते दे हुए बच्चे वह जी डिमांड करते, तो वह डिमांड आने समय से देनी संभव नहीं, जिस करके देश की अखंडता फिर खतरा पैदा होया। तो आप अपने देश में अखंड रखण दे लई यह UCC जरूरी आ। यह किसी धर्म के विरोधी नहीं, किसी समाज के विरोधी नहीं, किसी महिला के विरोधी नहीं आ, बल्कि तो महिलावां नूं वध अधिकार देने वाला है, खास तौर पर जिहड़ियां गैर हिंदू महिलावां ने। जे असीं मुस्लिम समाज च देखिए तो उत्थे जिहड़ियां महिलावां है उहनां नूं पिता पुरखी जायदाद दे विच हक नहीं आ। तां जे UCC लागू हो जांदा है तां मुसलमान औरतां नूं जिवें 3 तलाक तों बाद अधिकार मिलिया, उन्हां दा शोषण कटिया, उस तरह उन्हां नूं जिवें हिंदू लड़की है साडी, जां सिखां दी लड़की है, जां जैन समाज की लड़की है, उहनूं उहदे प्यो की जायदाद दे विचों पिता पुरखी जायदाद तों हिस्सा, लेकिन गैर जिहड़े हिंदू उहनां नूं नहीं है, तो उस नाल इहनां नूं हिस्सा मिलेगा। हुण मैं साडे बहुत ही समाज सेवी राजू जी नूं मैं बेनती करूँगा कि आप दे नाल सारे विषय ते मैं जिहड़ी भूमिका सीगी वो आप जी दे रूबरू रखी, अगे सारा वार्तालाप राम प्रकाश जी और राजू जी आप नाल सांझा करनगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहला तो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। अज तुसी जिहड़े थोड़े समय ते गल करन ते तुसी साडे नाल इस अहम मुद्दे ते इकट्ठे होए आ। यह मुद्दा जिहड़ा हैगा ये कोई राजनीतिकरण का मुद्दा नहीं है कि कोई असीं इत्थे राजनीतिकरण करना आ, यह राष्ट्रीयकरण का मुद्दा हैगा, क्योंकि जिहड़ा अज समाज दे विच यूनीवर्सल सिविल कोड जिहड़ा कि सारे नागरिकां नूं इक्को अधिकार, इस दा मतलब है सारयां नूं इक्को जिहा अधिकार, चाहे वह बच्चा है, चाहे वह बुढ़ा है, चाहे औरत है, चाहे आदमी है, किसी भी जाति नाल संबंधित है, उन्हूं सारयां नूं इक्को जिहा अधिकार मिले। इत्थे एक भरम फैलाया जा रहा है भी इदू बाद जी ये शादी के नियम बदल जाणगे, कोई नियम नहीं। जे सिख परिवार दे विच लावां लईआं जांदियां तां लावां दा ढंग भी उही रहूगा, जे हिंदू परिवार दे विच फेरे ले जांदे आ तां उहदे च भी कोई परिवर्तन नहीं है। क्रिश्चियन जिवें चर्च के शादी करते वह भी कोई फर्क नहीं है, मुसलमान जिवें शादी करते हैं वो कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन सिर्फ एक है भी वो जी मैरिज है जी रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होने का मतलब होगा भी वो जी लेडीज है उन्होंने पूरा अधिकार होगा, क्योंकि वो एक परना सूत्रना बनी गई है। आम साढ़े कई धार्मिक दे विच चार चार शादियां करके तो
15-15 बच्चे पैदा करके तो उन्होंने लावारस सिट दिता जाता है। ये एक गैर कानूनी घोषित होगा जिदे विचे मुसलमान औरत ते मुसलमान समाज का बहुत उधार होगा, पर मुसलमान कुछ जेड़े कि डोमीनेंट ने जेड़े कि आपका अधिकार नहीं छड़ना चाहते वो भरम फैला रहे हैं। इस भरम फैलाने आप रोकने वास्ते अज इत्थे इकट्ठे हुए हैं। जिहड़ी अपनी एनर्जी जिहड़ी है बाहरले मुल्कां दे विच जा रही है क्योंकि बच्चे अपने सेफ नहीं महसूस कर रहे क्योंकि अधिकार एक नहीं है। इत्थे सारिआं वास्ते कानून सेम नहीं है, जायदाद विच सब बराबर नहीं है। वो सारा जिहड़ा कानून एक होगा बच्चे तो लैके बुढ़े तक सारिआं नूं अपना एको अधिकार होने के कारण सारिआं दा जिहड़ा मान सन्मान होगा। ये जिहड़ा अंडर सैक्शन 44 जिहड़ा है लागू नहीं किया गया सीगा। कुछ पार्टियां अंदर खाते तो लागू करना चाहुंदियां ने पर वो कुछ अपने लीडरां तो डरदे होए जां कोई वोट पावर तो डरदे होए इस UCC दे समर्थन नहीं कर रही। साडा हक है, असीं इस ते अज आपां जिहड़ा है सम्मेलन कर रहे हैं। आने वाले समय के इहनूं जन सलाह बनावांगे। ये थोड़े सहयोग की बहुत वड्डी जरूरत है। ये कोई किसी का परसनल एजेंडा नहीं है, कोई राजनीति एजेंडा नहीं है, किसी ने कोई वोट की राजनीति नहीं करनी। असीं सारे समाज के प्राणी हाँ, समाज को डोमीनेट कर रहे हैं ता जो जिहड़ा साडा समाज जिहड़ा इको रूप में देखा जाए। किसी भी जाति अंडर एस्टीमेट ना किया जाए तो किसी को ज़्यादा अधिकार ना किए जा। सो मेरा साडा इको ही बेनती है भी ये जिहड़ा समाचार है सारे वर्ल्ड दे विच सारे हिंदुस्तान दे विच फैलाया जाए। सिविल कोड जिहड़ा यूनीवर्सल सिविल कोड है लागू किया जाए। असीं उहदा समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं महिलावां जिन्हां ते बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है इस मुहिम दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते साडे नाल सपोर्ट करनगियां। जय हिंद जय भारत। और सब तो पहला मैं तुहाडा प्रेस का बहुत धन्यवाद करदा। धन्यवाद इस करके नहीं कि अज असीं UCCC ते कोई मीटिंग कर रहे हैं जां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। धन्यवाद इस करके करदा कि तुसीं एक एक बंदा ये सैकड़ों तक लखा तक ये न्यूज़ पहुँचा सकते हो और जो तुम पॉजिटिव वे दे लग जाने फिर जिहड़ी गल कोई 2-4 जां 5 बंदे नहीं कर सकते तुम एक एक बंदा कर सकते हो। मैं इस करके तुहाडा दिलों धन्यवादी हैं कि तुम अज आए और आके अपना कीमती समा कढ के इस जिस गलते अज असी सारिया संस्थावां कट्ठे होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में लगे हैं उसनों तुम होर भी अगे तक लै जाओगे। और जिहड़ा ये UCC का अज मुद्दा पूरे इंडिया में उठाया होया है उसनों असी बठिंडा चैंबर और कमर्स वालों पूर्ण तौर पर सहयोग करते हैं और समर्थन करते हैं कि आने वाले समय में असी मोढ़े नाल मोढ़ा ला के इन्हों का सहयोग करांगे।